of a convergence of a sequence and what's meant by a limit of a sequence. ओके तो इस डेफिनेशन को प्लीज केयरफुली आप देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए. अ सीक्वेंस एक्स एन इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज सेड टू बी कन्वर्ज आर टू बी कन्वर्जेंट कन्वर्ज आर टू बी कन्वर्जेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट इन एक्स सच दैट लिमिट distance between x and x and the limit n approaches to infinity equal to 0. Okay, x is called the limit of x and we write like this. Okay, तो अभी इसकी next भी वो उन्होंने बताई हुई है, simply we can write like this. जी students, what do you understand? कि क्या आपको समझ आई है कि हमारे पास जो limit है उसमें जी डिस्टेंस जीरो होना चाहिए. आपको याद होगा, ये मैं इस डेफिनेशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहूँगा. आपने रियल के कोर्स में या जो कैलकुलस का कोर्स है उसमें ये डेफिनेशन देखी हुई है. जी सर. ठीक है, वो डेफिनेशन आपने क्या देखी थी? इफ ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा इफ इफ For... सर रेड कलर यूज कर लें, वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है. रेड मुझे इतना थोड़ा सा वो डेंजरस सा लगता है, इसलिए ये दो कलर में. ये लाइट है ना तो क्लियर नहीं होता. ओके, ये मैं दूसरा इफ अब ठीक है. इफ जी इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट n belongs to n such that x n minus x is less than epsilon whenever n is I'm sorry n naught can isko greater or equal to n naught. okay, ye apni definition dekhi hui hai. yes sir. ठीक हो गया. अब ये जो डिस्टेंस है, देखें गौर से देखिएगा, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स एंड एक्स लेस देन एप्सिलॉन. तो किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में अगर हम बात करें कि एक्स एंड कन्वर्जेस टू एक्स, तो उसके लिए हम डेफिनेशन क्या करेंगे? इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन नॉट सच दैट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड less than epsilon whenever. तो अब मैं इसकी जगह पे raise करके ये लिख दूँ तो कोई फर्क तो नहीं है? No sir. Okay. No sir. ठीक हो गया. तो अगर हमारे पास यही वाली बात है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ तो कोई फर्क नहीं है? बिल्कुल सर. आवाज नहीं आ रही मुझे. आवाज नहीं आ रही सर? सही आ रही है वैसे. स्पीकर जो है वो प्रॉपरली ऑन ना हो, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा. ओके, तो ये मैं बात कर रहा था कि जब भी कन्वर्जेंस की बात होगी एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स तो हम ये मैट्रिक्स स्पेस में डेफिनेशन यूज करते हैं. ठीक है, x n converges to x if for every epsilon greater than 0 there exists n naught in n such that distance between x n and x is less than epsilon. clear? yes sir. अब मैं इसको ग्राफिकली भी बताता हूँ आपको. ओके, जरा गौर से देखिएगा, मेरे पास ये सीक्वेंस एक पड़ी हुई है. ओके, ये सीक्वेंस के पॉइंट्स हैं. ओके ओके, मैं इसी को एक और तरह से भी कर रहा हूं. ये मेरे पास एक सीक्वेंस है. ओके, नो यू कैन इमेजिन दैट कि आपके पास अगर आप एक बॉल ड्रा करें तो इवेंचुअली सीक्वेंस आपकी इधर चली जा रही है. ठीक है,
कुछ पॉइंट्स को छोड़ के, इधर भी आपके पास कुछ पॉइंट्स को छोड़ के ये चली जा रही है। अगर आप इस रेडियस का बॉल लेंगे तो ये आपके पास कुछ और पॉइंट छोड़ जाएंगे। Yes, sir. ठीक हो गया। तो आपके पास ये जो x है बेसिकली वर्क एज अ सेंटर ऑफ ए बॉल एंड दिस एप्सिलॉन वर्क्स एज अ रेडियस ऑफ ए बॉल एंड ऑल अदर पॉइंट्स आर लाइंग इन दिस बॉल एंड ऑल अदर पॉइंट्स आर एक्स एन एंड यू कैन सी दैट कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स आपके उस बॉल से बाहर होंगे, वो सारे पॉइंट्स वो वाले हैं जो एक्स वन से लेके एक्स एन नॉट तक है। Got my point? Yes, sir. Yes, sir. In fact, graphically, if we imagine when we are saying that a sequence is a convergent, in fact, for every epsilon, you have a ball, and all sequences enclosed in this ball, except for finite number of terms. Clear? जी. Okay. जी बच्चों किसी को clear नहीं है तो please. तो ये सारा कौन से होंगे? वो वाले पॉइंट्स होंगे ना जो ये मैंने लिखा है n greater equal to n naught। तो इन पॉइंट्स को छोड़ के, इनफैक्ट n naught इक्वल है तो वो भी इसके अंदर होगा, n naught से जितने छोटे होंगे, तो n naught से जितने छोटे होंगे x1 x2 x3 xn naught minus 1 तो उस तक जितने टर्म्स होंगे वो सारी की सारी उससे बाहर होंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो हमने सीक्वेंस पहले देखी थी वन ओवर एन, ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है, किसको कन्वर्ज कर रही है? जीरो को कन्वर्ज कर रही है। आपके पास ये जो सीक्वेंस है वन माइनस वन वन माइनस वन, ये डाइवर्जेंट है कि किसी पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर रहे। क्लियर? तो एक हमने एग्जांपल देख ली जो कन्वर्जेंट की, एक हमने एग्जांपल देख ली जो के डाइवर्जेंट की है। क्लियर? तो यही जो बातें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है वो यहाँ पर की हुई है। देयर इज एन नेबरहुड साइड दैट एक्स एन इज लाई इन एप्सिलॉन नेबरहुड इन दिस बॉल, उस बॉल के अंदर लाई कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये सारी वही डिस्कशन है तो जो आपको मैं बता रहा। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या है? कि बाउंडेड सीक्वेंस है कि आपके पास कोई ना कोई बॉल ऐसी मिल जाए जिसके अंदर सारी सीक्वेंस आप क्या है एनक्लोज हो जाए, तो बाउंडेड सीक्वेंस होगी। बाउंड्री सेट की डेफिनेशन ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अभी ये एक दो रिजल्ट्स हैं, ये